साल में चार बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें एक चैत्र, दूसरा शारदीय और दो गुप्त नवरात्रि होते हैं। आज 3 अक्टूबर है और आज शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। नवरात्रि के दिनों में माता जगत जननी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हम आपको इस वीडियो में शारदीय नवरात्रि का शुभ मुहूर्त और घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, हम आपको उनकी भी कहानी सुनाएंगे। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्की राम बताते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर रात 12:18 से हो रही है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर रात 12:18 से होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। हिंदू धर्म में सूर्योदय से तिथि मानी जाती है, इसीलिए 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत मानी जाएगी। शारदीय नवरात्रि में माता रानी की पूजा की जाती है, इसके लिए घट स्थापना भी की जाती है। इसे शुभ मुहूर्त में करना जरूरी होता है। इस साल की शारदीय नवरात्रि की बात करें तो सुबह 6:15 से लेकर 7:12 तक पहला शुभ मुहूर्त रहेगा। खास बात यह है कि एक और शुभ मुहूर्त है जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाएगा। ये सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय दुर्लभ इंद्री योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का प्रभाव पूरे दिन रहेगा, जिससे पूजा अर्चना का खास महत्व होगा। इसके अलावा हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र भी इस दिन प्रभावी रहेंगे। नवरात्रि के मौके पर पूजा करने से पहले साफ कपड़े पहने, पूरे मंदिर को साफ करें, साथ ही माता रानी को भी साफ या नए कपड़े पहनाने चाहिए। बहुत से लोग बिना मंदिर साफ करे पूजा अर्चना करते हैं, जो कि सही नहीं है। माँ शैलपुत्री के मस्तक पर अर्धचंद्र होता है। माँ को नवरात्रि के पहले दिन सफेद रंग के पुष्प, सफेद दिखने वाले खाद्य पदार्थ जैसे खीर, चावल, सफेद मिठाई आदि का भोग लगाना चाहिए। उनको गाय के घी का भोग लगाएं, गाय के ही घी का दीपक जलाकर आरती करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब आदि शक्ति माँ ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, तब वो मनुष्य के रूप में थी। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कड़ी तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी यानी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। देवी के पहले स्वरूप का नाम शैलपुत्री कैसे पड़ा, इसकी भी अलग कहानी है। दरअसल हिमालय को संस्कृत में शैल कहा जाता है और माता पार्वती हिमालय की पुत्री है, इससे ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री को सती, हेमवती और उमा जैसे नामों से भी जाना जाता है। उनका रंग सफ़ेद है और उनका प्रिय रंग भी सफ़ेद है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।